तो चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए साइंस क्राफ्ट का एक और अमेजिंग किट जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे भैया हम बनाएंगे इस वैक्यूम क्लीनर को, जो दिखने में थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है और वैक्यूम क्लीनर से और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो आपको सिंपली पता है भैया, जो भी कचरा वचरा धूल मिट्टी होती है उसे सक कर लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कितना कचरा, कितनी मिट्टी, कितना सब कुछ जो ये अंदर ले लेता है। काफ़ी बड़ा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है दिखने में। इससे पहले कि मैं इसे ओपन करूँ, जो लोग पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए वो कर दिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं बढ़ता हूं इस वीडियो में आगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बॉक्स की अगर बात करें तो साइंस क्राफ्ट की, जैसे मैंने कहा था, इसकी तरफ से आता है। पहले भी इनका एक किट ओपन कर चुका हूं। एज यहां पे 8+ है। कुछ मोटर वोटर भैया फंडा वंडा यहां पे दिखाई दिया है। प्राइस अगर बताऊं तो भैया 699 रुपए पर लगभग आपको 450 रुपए के आसपास मिल जाएगा किट ये। और आगे पीछे दाएं बाएं कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पे दी गई है। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता ही है ज्यादा बात करता भी नहीं हूं मैं। बॉक्स को ओपन कर देता हूं। ये क्या है भाई? ओके, बॉक्स तो ये खाली हो चुका है और सिंपल सा इसके अंदर कुछ बैटरी वैटरी मोटर वोटर का मटेरियल मुझे दिखाई दे रहा है। लो, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और ये क्या है भाई? इसके अंदर कुछ चिपकाने वाली टेप वेप स्ट्रिप्स वगैरह। ये है इसकी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन का पेपर, जैसे आपको बताया हुआ है कैसे कैसे बनाना है। और ये वो कार्डबोर्ड की कुछ एसेसरीज वगैरह आपको दिख रही होगी जिसकी मदद से हम वो बनाएंगे। बोतल दिखाई नहीं दे रही है जो मुझे बॉक्स में दिख रही थी, तो शायद हमको बोतल खुद से लेनी पड़ेगी जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से बनाते हैं वैक्यूम क्लीनर को। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वैक्यूम क्लीनर जो कि आप देख रहे हो ऐसा ही मैंने बना दिया है। और थोड़ी सी यहाँ पर मुझे मतलब चिपकाने में दिक्कत हुई, तो मैंने अपना यहाँ पे यार टेप वगैरह यूज़ कर लिया और जैसा भी मैंने बनाया फ़िलहाल ये बन चुका है। बैटरीज जो है इसके पीछे एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए, पीछे मैंने बैटरीज वगैरह भी इसके लगा दी है, कनेक्शन वगैरह भी सब कर दिया है। वापस भाई अंदर चिपके रहो, बाहर मत निकलो, अभी अभी वक्त है टेस्टिंग का, अभी टूटना उठना मत कुछ बस। तो ये बिल्कुल से तैयार हो चुका है, अब जल्दी से हमें टेस्टिंग करनी है। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे भाई कई अलग अलग साइज़ के जो है पेपर वेपर कट करके देख लिए हैं। अब देखना सिंपल सा यही है कि भाई मतलब कितना स्पीड से ये अपने अंदर इन कचरों को संभाल लेता है। तो ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, अब जल्दी से भाई मुझे ऑन करना है। स्विच पीछे है भाई इसका, ये दिख रहा है आपको ये हरे वाला, इसको ऐसे घुमाएंगे। ओ, ये फ़ैन चलने लग गया, तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या अंदर फैन? ओके, तो एक बार से जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे बिल्कुल, और देखते हैं ये किस हिसाब से कचरे को उठाता है। ओ
भाई कचरा तो इसने उठा दिया, बट ये पीछे क्या हो रहा है, मतलब इधर से उठाएगा, इधर से वापस वापस गंदगी फैलाएगा। थोड़ा सा यार पीछे से ब्लॉक ब्लॉक होना चाहिए कि मतलब उठा तो रहा है सीख, पर यहाँ जो पीछे कुछ होल्स है ना दिख रहे होंगे सेंटर में, वहाँ से मतलब ये पीछे की तरफ भी आ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि कुछ बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं इसमें भी वैसे आ चुके हैं बड़े बड़े, बट फिर भी बड़ों को उठाने में दिक्कत है कि नहीं है एक बार, शायद बहुत बड़े जो है ये नहीं उठा पाएगा, छोटे मोटे उठा लेगा। ओके, मुझे एक चीज लग रही है दोस्तों कि एक बार इसके अंदर थोड़ा कूड़ा आ जाता है उसके बाद शायद इसे निकालना पड़ता होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वैक्यूम वगैरह बना नहीं पा रहा है। एक बार अब मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ओके, तो कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े कूड़े के बाद आपको साफ करना पड़ेगा, बट ओवरऑल दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे अगर मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब यार यहाँ से मतलब वापस निकल रहा कचरा, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, पर देखने में तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। और यार चिपकाने की वही प्रॉब्लम साइंस क्राफ्ट के साथ मुझे पहले भी आई, वो एडहेसिव वाला टेप ना मतलब ज़्यादा टिकता नहीं है, निकल जाता है, तो इसलिए आपको अपना टेप वेप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करके जाना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।